हाय फ्रेंड्स, क्या आपके एक दो तीन चार पांच अच्छे दोस्त हैं? हैं? लो भाई, बात बन गई। आप सभी साथ में ये सुरों की रियाज खेलते खेलते कर सकोगे। जी हाँ, ये तरीका आप पहली बार देखते होंगे, अब कीजिए भी। खेलते खेलते सुरों की रियाज, इसमें करना क्या है? इसमें मैं सुरों का एक पैटर्न बजाऊंगा और गाऊंगा, जो आप अकेले हो या दो दोस्त साथ हैं या तीन दोस्त साथ हैं या चार दोस्त साथ हैं, सभी इसको कर सकेंगे। समझ लो अगर आपके चार दोस्त हैं तो पहला दोस्त सुरों का पहला ग्रुप गाएगा, दूसरा दोस्त सुरों का दूसरा ग्रुप गाएगा, तीसरा दोस्त सुरों का तीसरा ग्रुप गाएगा, चौथा दोस्त सुरों का चौथा ग्रुप गाएगा। इस तरह से वो पूरे पैटर्न के चेन को आप एक के बाद एक, एक के बाद एक दोस्त गाते जाएंगे और कड़ी बनाते रहेंगे। और जब तक किसी दोस्त की भूल नहीं होती, तब तक ये कड़ी लंबी चलती रहेगी। और जहाँ पर आपके किसी दोस्त की भूल हो गई, वहाँ वो दोस्त गेम से आउट और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से बचे हुए दोस्त वो फिर कड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से दोस्त आउट होते रहेंगे जिनकी भूल हो रही है, और लास्ट में दो दोस्तों के बीच में कंपटीशन चलेगी। तो आनंद उठाइए, हैव फन, एंजॉय, और साथ में सुरों की रियाज भी हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम श्रावणी। 1 2 3 1 2 3। You are out. Now start from there. Game ही हम लोग ये करेंगे. Now he is out. Okay, remember that he is out. इधर से. 1 2 3 1 2 3 out to go rego kelastu out 1 2 3 1 2 3। वेलकम दोस्तों, आज जो खेल खेलेंगे, इस खेल में हम संगीत के आरोह अवरोह सा से लेकर तार सप्तक के ग तक गाएंगे। मैं पहले इस क्रम को बजा रहा हूँ, आप ठीक तरह से सुनिए, बाद में बजते हुए आरोह अवरोह के साथ आप अपनी आवाज़ मैच कीजिए। सब दोस्त एक साथ कोरस में गाएंगे। अब आप सब दोस्त कोरस में 5 बार गाइए।
रफ्तार बढ़ेगी। आप गाइए 5 बार कोरस में। इसी रफ्तार में साइकिल गेम शुरू करेंगे। इसे कैसे खेलोगे? दोस्त नंबर एक सारे ग म प, ये 5 सुर गाएगा। फिर दोस्त नंबर दो धनी सारे ग, ये 5 स्वर गाएगा। फिर दोस्त नंबर तीन रिवर्स पैटर्न में ग रे सा नी ध, ये स्वर गाएगा। फिर दोस्त नंबर चार प म ग रे सा, ये 5 स्वर गाएगा। ऐसे आप दोस्तों के बीच में ये कड़ी बनती रहेगी और जब किसी दोस्त की भूल हो जाती है वो गेम से बाहर। तो इसे मैं एक राउंड पहले बजाता हूँ, बाद में आपके लिए 5 राउंड्स बजाई जाएगी। सारे गा मा पा दा नी सारे गा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा। अब आप शुरू कीजिए अपना गेम। गेम स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। इसी गेम का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। दोस्त नंबर एक सारे कहेगा, दोस्त नंबर दो ग म कहेगा, दोस्त नंबर तीन पौध कहेगा। इस तरह हर एक स्टूडेंट को सिर्फ 2 ही स्वर गाने हैं। पहले इसे मैं गाकर बजाता हूँ, फिर आपके लिए 5 बार बजाया जाएगा। सारे ग म प ध नी सा रे ग ग रे सा नी ध प म ग रे सा। सारे ग म प ध नी सा रे ग ग रे सा नी ध प म ग रे सा। अब आप गाइए। दोस्तों यूँ इस प्रकार रियाज करने से आपका कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। इस अभ्यास की रियाज कितनी करनी चाहिए? ज़्यादा नहीं, ये जितनी बार बजाया गया है उतनी ही बार करने से तरक्की अच्छी हो जाएगी। इसके लिए कोई 1-1 घंटा 2-2 घंटे इसकी रियाज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके वोकल कॉर्ड्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो आगे चल करके आप समय बढ़ा सकते हो। In case of any doubts or queries, you may write to me at the email address given or talk to me on the phone number given. I will definitely try my level best to address your query.